हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूली की सब्जी। मूली की सब्जी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है, ये बिना मसाले की बनती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मूली की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। 6 मूली हमने यहाँ पर ली है और ये मूली के पत्ते हैं। और इसको हमने पहले से ही धो लिया है क्योंकि बाद में अगर हम इसको जो है धोएंगे तो इसका जो गंदगी है वो सही से नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए आपको इसको पहले से ही जो है धो लेना है, उसके बाद जो है काटना है। और हमें चाहिए थोड़ी सी लहसुन, जिसको हमने काट लिया है, 2 हरी मिर्च, जीरा हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और चुटकी भर हींग लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मूली सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्तों को हमें काट लेना है। जब भी किसी का मसालेदार सब्जी खाने का अगर मन ना हो तो ये सब्जी बेस्ट है। आराम से बिल्कुल बनाइए बिना मसाले की और खाइए। ये देखिए पत्ते हैं, हमने काट लिए हैं। तो चलिए अब हम मूली को भी काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम जो है काटेंगे। तो ये देखिए मूली भी हमारी कट चुकी है, तो सब्जी हमारी अब कट चुकी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूली की सब्जी हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। सरसों का तेल हमने लिया है, 1.5 बड़े चम्मच हैं। तेल गर्म हो गया है तो लहसुन को डाल देंगे, जीरा डालेंगे, हींग भी डालेंगे, मिर्च आप डालेंगे, और आप डालेंगे मूली और पत्ते। इसे जो है चला देंगे, बाकी बची हुई भी डाल देंगे। अब इसको धीरे से जो है चलाएंगे। अभी ये देखिए देखने में कितनी ज़्यादा लग रही है, और अभी थोड़ी देर बाद जो ये सब सूख जाएगी क्योंकि सूखती बहुत ज़्यादा है। अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम नमक मिला देंगे और अच्छे से जो है मिला देंगे ताकि नमक जो है बढ़िया से मिल जाए। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से जो ढक देंगे। तो आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो मूली को हम काट कर देख लेंगे कितनी पकी है। तो मूली आराम से कट रही है, इसका मतलब मूली हमारी पक गई है। अब सब्जी को हमें हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भूनना है और ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और सब्जी को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि सब्जी हमारी पक चुकी है। तो ये देखिए गर्मा गर्म मूली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे आप लोग ज़रूर खाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपी आप अच्छी अच्छी देखते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।